हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं अरविंद कुमार और आज मैं आपके लिए साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो आपकी परीक्षा में पूरी संभावना है 2020 में आपके आने की। और मैं आपको ये जो सारे क्वेश्चन साइंस के इम्पॉर्टेंट हैं वो 5 वीडियो में बताऊंगा। ये हमारा पहला वीडियो है और पहले वीडियो में आज का सिलसिला स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसे शेयर जरूर करें और लाइक करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, देखिए आप ये दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रत्यावर्ती धारा डायनमो के सिद्धांत एवं कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। यानी प्रत्यावर्ती धारा के लिए डायनमो का सिद्धांत आपको बताना है और कार्यविधि भी बतानी है इसकी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, विद्युत रासायनिक श्रेणी के आधार पर व्याख्या कीजिए कि क्यों कॉपर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में घुलकर हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है। यानी हम जब कॉपर को सल्फ्यूरिक अम्ल में घोलते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस क्यों रिमूव नहीं करता है, ये आपको यहाँ पे सिद्ध करना है। यानी इक्वेशन भी आपको इसमें देनी है। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद में क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की एक विधि लिखिए। यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने की विधि लिखनी है आपको, तथा इसकी जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया दीजिए और जल के साथ इसकी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण देना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 था आपका। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। 4 में आपसे पूछा गया है, सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं, सजातीय श्रेणी की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। यानी आपको सजातीय श्रेणी के बारे में उसकी डेफिनेशन देनी है और उसकी विशेषताएं बतानी है कि विशेषताएं क्या हैं उसकी। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है, खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल में अंतर लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप देख रहे होंगे यहाँ पे भी, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें आपकी खाद्य श्रृंखला खाद्य जाल में अंतर पूछा गया। ये बोर्ड में हर साल आता है, इस पर टिप्पणी पूछ सकते हैं अंतर ना पूछ के आपसे, तो आप इसको तैयार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, परागण किसे कहते हैं, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, यानी परागण क्रिया क्या होती है आपकी और परागण के प्रकारों का वर्णन कीजिए। जैसे आपके अंते हैं परपरागण और स्वपरागण, इसके दोनों प्रकार होते हैं, उनको आपको डिटेल में बताना है विद डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद में 6 के बाद में क्वेश्चन नंबर 7 और हमारी इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2D है। ये किस प्रकार का लेंस है, आपको उसकी क्षमता बतानी है कि मतलब उसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी है और आपको क्या बताना है इसमें, और लेंस बताना है कि वो लेंस कौन सा है। तो ये था हमारा पहला वीडियो आज इस साइंस के सीरीज का, और ये सारे क्वेश्चन आपके 12th के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और अगर कोई सुझाव हो तो हमें सुझाव बताएं। कुछ और आपको क्वेश्चन लग रहे हों तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। इंतज़ार कीजिएगा आप अगले वीडियो का जो मैं आपको कल या परसों में लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।